हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप लॉकडाउन के चलते आप सब अपने घरों में हेल्दी और सेफ हो। और आगे आगे आप बोलो। तो आज हम बनाने जाने एक बड़ी ही मजेदार रेसिपी चॉकलेट ब्राउनी की, वो भी एगलेस। और ये रेसिपी आई गारंटेड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। आप घर में इसे बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव्स को जब खिलाएंगे तो वो भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। जैसे मैं नहीं थकती अपने हस्बैंड की। हाँ, ये बिल्कुल हमेशा तारीफ करती रहती है। पर मैंने इन्हें ब्राउनी अभी तक खिलाई नहीं है, सिर्फ वीडियो दिखाई है, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले ही शूट कर चुका था। तो लेकिन मैं भी इनके लिए जल्दी से बनाऊंगा किसी दिन और इनको खिलाऊंगा अपने हाथों से। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें। ये देखो हमारा बेटा लड्डू, ये भी पापा की चॉकलेट ब्राउनी खाएगा, अभी ये पोयम में बिजी है। और अगर हाय कर दो बेटू, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। और अपने कोई भी क्वेरी है आपकी पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम बटर। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ये जो बटर लिया है मैंने, ये अनसॉल्टेड बटर है, और आप चाहे तो सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम अपना बटर मेल्ट कर चुके हैं। ज़्यादा हमें इसे गर्म नहीं करना, सिर्फ इसे हमें मेल्ट करना है। और अब हम इसे इंडक्शन से उतार लेंगे। तो जो बटर हमने मेल्ट किया था उसको अब हम एक बाउल में ले लेते हैं। ये यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डार्क चॉकलेट 225 ग्राम, और गरम बटर में इस चॉकलेट को हमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलिबू चॉकलेट। आप चाहे तो और किसी ब्रांड की चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। कैस्टर शुगर लिए हमने 80 ग्राम। आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैस्टर शुगर थोड़ी बारीक होती है तो आराम से वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लेंगे अपना मैदा 120 ग्राम। बेकिंग पाउडर लिया है हमने 5 ग्राम, कोको पाउडर 10 ग्राम, और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, मैदा, कोको पाउडर, ये पहले से मैंने छान के रखे हुए थे। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्ट इसमें छन्नी लगा के इसी में छान सकते हैं, नहीं तो आप पहले से छान के रख सकते हैं और फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो लम्प्स हैं वो नहीं बनेंगे इस मिक्सर में, गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से हम इसे विक्स से फेंट लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपना फुल क्रीम मिल्क 160 ml, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको भी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और केक और ब्रेड से रिलेटेड जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप देख पाएंगे। तो ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है यहाँ पे 280 ग्राम। कंडेंस मिल्क स्वीट वाला, जिसे कहते हैं हम इंडिया में मिल्क मेड, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यकीन मानिए, जो एग वाली ब्राउनी होती है उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी है ये एगलेस ब्राउनी। तो चलिए, मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने एक फ्रेम ले लिया है और इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल से चारों तरफ से कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई टिन है या मोल्ड है उसमें भी आप बेक कर सकते हैं, लेकिन ब्राउनी हमेशा ऐसे ही फ्रेम वगैरह में हम बेक करते हैं, ताकि हमें उसे ज़्यादा हाइट नहीं देनी होती है। और सारा मिक्सर को हम इसमें स्प्रेड कर लेंगे। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, आपका पता नहीं, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसे खाएंगे तो आप भी याद रखेंगे कि क्या जबरदस्त रेसिपी दी है आज मैंने। तो इसको इवनली स्प्रेड कर लेते हैं चारों तरफ। और ये जितनी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करता हूँ, इन्हें मैं खुद होटल में बनाता हूँ,
तो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं, या अगर आपको अपना कमर्शियल काम शुरू करना है तो आप उसमें भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से हम वॉलनट डाल देंगे 80 ग्राम, आप चाहे तो वॉलनट की जगह आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वॉलनट ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। तो 170 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे 35 मिनट के लिए। और ध्यान रखने वाली बात ये होती है, ब्राउनी बेक करते वक्त हमें इसे फुल बेक नहीं करना है। देखिए अभी ये थोड़ी सी अनकुक है, मतलब 70% तक हमें इसे बेक करना होता है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ज़्यादा बेक करेंगे तो ये पत्थर की तरह हो जाएगी और खाने लायक नहीं रहेगी। 70% इसे जब हम बेक करते हैं तो ये अपने आप जब ठंडी होती है तो फजी हो जाती है, मतलब जब आप खाएंगे इसे तो ये दांतों में चिपकेगी और अपना एक अलग ही इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं, हमारी ब्राउनी ठंडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसे बहुत तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे हॉट चॉकलेट सॉस के साथ हॉट ब्राउनी खा सकते हैं, आप चाहे तो ब्राउनी को गर्म करके उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम डाल के साथ खा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।